जिस वक्त क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ, जिस वक्त उसे बर्बाद कर दिया गया, उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब जलजला आने वाला है। उसी वक्त इस बात पर मोहर लग गई थी कि पुतिन का एटमी प्लान एक्टिवेट हो चुका है। अब पुतिन वो करने वाले हैं जिसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। पुतिन की पलटन ने ज़ापोरिज़्या से इसकी शुरुआत भी कर दी है। इस वक्त ज़ापोरिज़्या जंग की सबसे भीषण और भयंकर आग में जल रहा है। क्रीमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ, रूस की आन बान और शान पर चोट हुई, तो पुतिन ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले महासेतु पर बारूदी प्रहार हुआ, तो पुतिन की पलटन ने ज़ापोरिज़्या को दहला दिया। ये आग, ये मलबा, ये बारूद, ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धुआं उस विनाश का संकेत अथवा संदेश है जिसका नाम है एटमी जलजला। पुतिन कुछ इसी तरह परमाणु बम फोड़कर सब कुछ तबाह करने वाले हैं। महाविनाश का काउंटडाउन उसी वक्त शुरू हो चुका है जिस वक्त क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया गया। अगर पुतिन बदले की आग में बुरी तरह जल नहीं रहे होते तो रूसी मिसाइल की बारूदी आग में ज़ापोरिज़्या झुलस नहीं रहा होता। आठ अक्टूबर को क्रीमिया पुल को बर्बाद किया गया, तो इसके कुछ ही घंटे बाद पुतिन ने ज़ापोरिज़्या में मिसाइल छोड़ दी। आसमान से कई मिसाइलें बरसी, जद में एक अपार्टमेंट आया, हाई राइज बिल्डिंग तबाह हो गई। रूसी मिसाइल अटैक में 17 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। रूसी एयरफोर्स ने 6 अक्टूबर को भी ज़ापोरिज़्या में ऐसा ही हमला किया था, तब भी 17 लोगों की मौत हुई थी। 30 सितंबर को रूसी मिसाइल अटैक में 32 लोगों की जान गई थी, 92 लोग जख्मी हो गए थे। अब पुतिन परमाणु बम फोड़ने वाले हैं, इसमें शक की गुंजाइश बहुत कम बची है, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज पर धमाके को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसने उस थ्योरी को बल दे दिया है जो रूस शुरू से कहता आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के पीछे यूक्रेन का ही हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अपने नाम ना छापने की शर्त पर यूक्रेन के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि इस हमले के पीछे यूक्रेन ही है। उस अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन सीक्रेट सर्विसेज ने विस्फोटकों से भरा एक ट्रक इस ब्रिज पर भेजा और विस्फोट करा दिया, जिससे रूस के गौरव का प्रतीक ये पुल ढह गया। पुतिन ने बहुत पहले ही रेड लाइन का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ तो कयामत का दिन आ जाएगा, उसी दिन महाविनाश की फाइल पर साइन कर दिया जाएगा। पुतिन की ये वार्निंग बेअसर साबित हुई। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो चुका है, इसीलिए अब एटमी हमले का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन बहुत जल्द महातबाही का परमाणु बम फोड़ सकते हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमला होने के साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब ऐसा युद्ध होगा जिसमें कोई रूल्स नहीं होंगे। रूस के सीनेटर अलेक्जेंडर पुश्किन ने कहा है कि रूस बहुत जल्द क्रीमिया ब्रिज पर हमले का बदला लेगा। क्रेमलिन ऐसा युद्ध छेड़ने वाला है जिसमें कोई कायदे कानून नहीं होंगे। जाहिर है ये महायुद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि रूस अब तक युद्ध की हर रणनीति आजमा चुका है, हर प्लान पर काम कर चुका है, लेकिन परिणाम उसके मुताबिक नहीं आए हैं। वॉर जोन में रूस हारता हुआ नजर आ रहा है, उसकी किरकिरी हो रही है। यूक्रेन खार्कीव में पुतिन की पलटन को खदेड़ चुका है। रूस पूर्व और दक्षिण में भी जमीन खोता जा रहा है। पोर्ट सिटी खेरसोन में भी यूक्रेनी फौज अपना कब्जा जमाती जा रही है। रूस हार के कगार पर खड़ा नजर आ रहा है।
रूस अगर ये लड़ाई हार गया तो ये पुतिन की सबसे बड़ी हार होगी। पुतिन और उनके साम्राज्य और उनके राज पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा और साथ ही साथ पुतिन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जो पुतिन को जानते हैं वो ये मानते हैं कि पुतिन ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हार को टालने के लिए पुतिन किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। अब क्रेमलिन का के लोगों का तो ये तक कहना है कि पुतिन हराने के लिए यूक्रेन को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की माने तो हारे हुए पुतिन या फिर ऐसे पुतिन जिनके पास विकल्प ही नहीं बचे हैं वो काफी खतरनाक और निर्दयी हो सकते हैं। वो कभी भी महाविनाश का बटन दबा सकते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा एटमी जलजला आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।